बहुत ज्यादा डाउन पेमेंट और सर घुमा देने वाले नंबर्स की वजह से ज्यादातर लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करते। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, तो अगर आप पैसे की कमी की वजह से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से दूर भाग रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में बिना बड़ी रकम के रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लो बजट में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। हाय, मेरा नाम है योशु। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे और दिलचस्प वीडियोस के लिए। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला तरीका है क्राउड फंडिंग। आप क्राउड फंडिंग के जरिए उन डेवलपर्स के प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिन्हें फंडिंग की ज़रूरत है। ये तरीका आमतौर पर मॉल्स एंड होटल्स जैसे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए काम आता है। रियल एस्टेट डेवलपर्स ऑनलाइन रियल एस्टेट क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स पर फंडिंग की डिमांड करते हैं। आप उनकी लिस्टिंग्स ब्राउज कर सकते हैं और अपने बजट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स चुन सकते हैं। जितना पैसा डेवलपर को चाहिए, आपको वो सारा पैसा इन्वेस्ट करना नहीं है, बल्कि उसका छोटा सा हिस्सा इन्वेस्ट करना है। बाकी का पैसा आप जैसे कई इन्वेस्टर से आ जाता है। आपको इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न मिलेगा, वो आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसके प्रॉफिट की कट पर बेस्ड होगा। क्राउड फंडिंग अच्छा ऑप्शन क्यों है? इस ऑप्शन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये कम पैसों में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का आसान तरीका है। रियल एस्टेट क्राउड फंडिंग में आप उन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनमें आम तौर पर अमीर लोग ही इन्वेस्ट करते हैं। ये ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें आप खुद इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। जितना बड़ा प्रोजेक्ट होता है, उतने ही ज़्यादा रिटर्न्स होते हैं। जब आपके पास बहुत कम पैसे हो, तो फ्रैक्शनल ओनरशिप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का एक और तरीका है। इसमें प्रॉपर्टी को छोटे और ज्यादा अफोर्डेबल हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। आप प्रॉपर्टी का एक हिस्सा खरीद कर पार्शियल ओनर बन सकते हैं। इससे आपको प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम का शेयर मिलेगा। इंडियन रियल एस्टेट में फ्रैक्शनल ओनरशिप में इन्वेस्ट करने के आम तरीके वेकेशन होम्स में इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए आप गोवा में एक बीच फ्रंट वेकेशन होम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास पैसे नहीं है। आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली से पूछ सकते हैं कि क्या वो आपके साथ इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर वो मान जाते हैं, तो आप मिलकर इन्वेस्ट कर सकते हैं और प्रॉपर्टी की कॉस्ट को आपस में डिवाइड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट रेशियो या हर पार्टी द्वारा लगाया जाने वाला पैसा उनके बजट के आधार पर तय किया जा सकता है। इस तरीके का फायदा ये है कि अगर आपके पास अभी भी पैसा कम पड़ रहा है, तो आप और लोगों को इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने को कह सकते हैं। ऐसा करके आप उन लग्जोरियस प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनमें आप अकेले इन्वेस्ट नहीं कर पाते। क्या ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं? तो आपको बस ऐसे इन्वेस्टर्स ढूंढने हैं जो आपके साथ इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट शेयर कर सकें। रीट्स प्रॉपर्टी खरीदे बिना रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का एक और तरीका है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऐसी कंपनी होती है जो ऑफिस बिल्डिंग, शॉप्स और मॉल्स की मालिक होती हैं या उन्हें ऑपरेट करती हैं, जैसे कि एम्बेसी ऑफिस पार्क्स या माइंड स्पेस बिजनेस पार्क्स। ये कंपनीज रीट्स के तौर पर रेफर्ड शेयर्स या बिल्डिंग यूनिट्स इशू करके इन्वेस्टर्स से पैसे रेज करती है और इन प्रॉपर्टीज को खरीदती है। जैसे कुछ कंपनीज स्टॉक सेल करती हैं, इसमें भी कुछ वैसा ही होता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स इन प्रॉपर्टीज को रेंट पर देते हैं या बेच देते हैं, और इससे होने वाली इनकम को डिविडेंड्स के तौर पर इन्वेस्टर्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं। एक सिंगल रीट 1000 रुपीज जितनी कम भी हो सकती है। ये वैसा है जैसे आप किसी स्टॉक ब्रोकर से शेयर खरीदते और बेचते हैं। कुछ रीट्स को सिर्फ बल्क में ही परचेज किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस, आपको ब्रुकफील्ड रीट की कम से कम 200 यूनिट्स परचेज करनी पड़ेंगी, जिसकी कॉस्ट लगभग ₹55,000 होगी। ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जितना पैसा चाहिए, उसकी तुलना में बहुत कम अमाउंट है। रीट इन्वेस्टमेंट को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का लो रिस्क तरीका माना जाता है, क्योंकि रीट में डिफरेंट लोकेशंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज होंगी। इसलिए अगर एक प्रॉपर्टी अंडर परफॉर्म करती है, दूसरा अच्छा परफॉर्म कर सकती है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट बैलेंस आउट हो जाता है। फिनेंशियल रुकावट की वजह से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट ना कर पाना अब पुरानी बात हो गई है।
अब अगर आपके पास बहुत कम या बिल्कुल भी अपफ्रंट पैसा ना हो तो भी रियल एस्टेट मार्केट में एंटर होने के नए नए तरीके मौजूद हैं, चाहे वो क्राउड फंडिंग, फ्रैक्शनल ओनरशिप या रीट्स हो। सभी बैकग्राउंड्स और बजट्स वाले इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉपर्टी मार्केट में वेल्थ ग्रो करने के मौके हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो थम्स अप दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।